मंगलवार को हनुमान जयंती के अवसर पर पूर्णिमा का चंद्रमा दिखेगा। शाम लगभग 7:09 पर पूर्व दिशा में जब चंद्रमा उदित होगा तब उसका आकार सामान्य पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना में बड़ा होगा और चमक भी अधिक होगी। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि ये खगोलीय घटना सुपरमून कहलाती है। ये इस साल का पहला सुपरमून होगा। सारिका घारू ने बताया कि 99.7% चमक के साथ चमकने वाले इस मून को यूएसए में बसंत ऋतु के आरंभ में खिलने वाले गुलाबी फूलों के आधार पर पिंक मून का नाम दिया गया है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 358,113 किलोमीटर होगी। ये रात भर आकाश में रहकर सुबह सवेरे लगभग 6:40 पर अस्त होगा। सारिका ने मॉडल की मदद से बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करते हुए करीबन 361,585 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है, तो उस समय पूर्णिमा का चांद सुपरमून कहलाता है। ये माइक्रोमून की तुलना में 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकदार दिखता है। सारिका ने बताया कि सुपरमून को यादगार बनाने क्षितिज से उदित हो रहे चंद्रमा की फोटोग्राफी की जा सकती है। मून इल्यूजन की घटना के कारण चंद्रमा विशाल गोले के रूप में दिखेगा। इस साल 2 सुपरमून दिखाई देने जा रहे हैं। अगला सुपरमून 26 मई को होगा, तो हो जाइए तैयार अपने घर आंगन में इस अद्भुत खगोलीय घटना के दीदार के लिए। जबलपुर में चंद्रोदय शाम लगभग 6:58 पर, छिंदवाड़ा में करीब 7:01 पर, होशंगाबाद में शाम 7:07 पर, भोपाल में शाम 7:09 पर और इंदौर में 7:15 पर ये चंद्रमा दिखेगा। जयंती की शाम होने जा रही है, बेहद खास। जी हाँ, इस शाम को हम देखेंगे सुपरमून। सुपरमून माइक्रोमून की तुलना में 14% बड़ा, 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। हनुमान जयंती के सुपरमून को पश्चिमी देशों में खिलने वाले पिंक कलर के मून के कारण इस सुपरमून का नाम पिंक मून दिया गया है। और जब पूर्णिमा के दिन पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 361,000 किलोमीटर से कम रह जाती तब हम इसे सुपरमून कहते हैं। तो कोरोना कर्फ्यू में आप अपने घर से, अपने छत से सुपरमून के दीदार के लिए तैयार हो जाइए।